तो पूरी दुनिया में बेंटन के जितने भी फैंस हैं वो एजमत के बारे में तो जानती होगी। एजमत बेंटन यूनिवर्स का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि एजमत के बिना बेंटन यूनिवर्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एजमत वो कैरेक्टर था बेंटन यूनिवर्स का जिसने ओमनीट्रिक्स का क्रिएशन किया था। और एजमत बेंटन यूनिवर्स में अपने आप को 5 गैलेक्सी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता है। और ये चीज काफी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि एजमत के जितना इंटेलिजेंट कैरेक्टर कोई और नहीं है। लेकिन बेंटन के यूनिवर्स में एजमत ने कई सारे ऐसे कांड किए थे जिनको वो खुद से एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि उसकी गलती थी, लेकिन एजमत कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि बेंटन यूनिवर्स में एजमत ने कौन कौन सी मिस्टेक की थी जिस वजह से बेंटन यूनिवर्स पे काफी बड़ा खतरा आया था, और एजमत उस चीज को आज भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो एजमत के बारे में ये सारी चीजें, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एजमत की मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो एजमत की सबसे बड़ी मिस्टेक थी एस्क्लोन का क्रिएशन करना, क्योंकि जब एजमत ने बेंटन यूनिवर्स में एस्क्लोन को बनाया था उसके बाद ही गाइस एजमत की लाइफ एक अलग ही सिरे से स्टार्ट हो गई थी। एस्क्लोन को बनाने के बाद एजमत को पता लग गया था कि एस्क्लोन में इतनी ज्यादा पावर है कि अगर कोई भी एस्क्लोन का यूज करके चाहे तो पूरे एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है सिर्फ एक अटैक से। और इसी वजह से एजमत ने डिसाइड किया कि एस्क्लोन किसी गलत हाथ में ना जाए, इसलिए एस्क्लोन को उसने सर जॉर्ज को दे दिया था जो कि एक फॉरएवर नाइट थे। सर जॉर्ज ने एस्क्लोन का यूज करके ड्रैगन को डिफीट कर दिया जो कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। अब इस चीज को देखने के बाद एजमत को अच्छे से पता लग चुका था कि एस्क्लोन की पावर को रोकने के लिए मुझे एक और डिवाइस बनाना पड़ेगा, जिसके बाद उसने क्रिएशन किया ओमनीट्रिक्स का, जिसके बाद एजमत ने बनाई ओमनीट्रिक्स जिसमें काफी सारी एलियन स्पीसीज के डीएनए मौजूद थे। अब एजमत ने पहले तो एक रीजन दिया था कि ओमनीट्रिक्स को उसने पूरी दुनिया की भलाई के लिए बनाया था, ताकि अगर कोई भी स्पीसीज कभी मर जाती है जिसका डीएनए ओमनीट्रिक्स में है तो ओमनीट्रिक्स का यूज करके दोबारा से उस स्पीसीज को जिंदा किया जा सकता था। लेकिन एजमत का कहना तो यही था कि एस्क्लोन की वजह से उसे ओमनीट्रिक्स बनानी पड़ी थी, जबकि ओमनीट्रिक्स बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि एजमत सिर्फ अपने इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहता था कि वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो ऐसा कर पाता या फिर नहीं। अब ओमनीट्रिक्स को बनाने के बाद एक और बड़ी मिस्टेक एजमत ने कर दी थी कि ओमनीट्रिक्स को उसने एक ह्यूमन को देने का फैसला किया, और उसके बाद बैन को ओमनीट्रिक्स मिल गई थी। और इसी चीज को देखने के बाद एजमत का जो असिस्टेंट था यानी कि एल्बिडो, वो काफी ज्यादा नाराज हो गया एजमत से कि ओमनीट्रिक्स का क्रिएशन करने के लिए एल्बिडो ने एजमत की मदद की थी, लेकिन एजमत ने वो ओमनीट्रिक्स बैन को दे रखी है, जिसके बाद एल्बिडो अपने लिए एक अलग ओमनीट्रिक्स बनाता है। और हमें देखने को मिलता है कि एल्बिडो बैन के रूम में फंस जाता है और हमेशा के लिए बैन के रूम में ही रहता है। और इसी वजह से बेंटन के लिए काफी बड़ी मुसीबत एल्बिडो के थ्रू खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये सब जानने के बाद एल्बिडो डायरेक्ट अर्थ पे आता है और बैन के रूप से छुटकारा पाने के लिए बैन की जो ओमनीट्रिक्स है जो कि एजमत ने उसको दे रखी थी वो बैन से छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बैन एल्बिडो को वो नहीं देता, जिसके बाद एल्बिडो जो है बैन को खत्म करने का सोच लेता है और उसकी ओमनीट्रिक्स छीनने की कोशिश करता है। हालांकि बेंटन के यूनिवर्स के जितने भी फैंस है वो ये बात जानते हैं कि एल्बिडो का मकसद कभी भी बेंटन अल्टीमेट एलियंस तक पूरी दुनिया पे कब्जा करने का नहीं था, वो सिर्फ ओमनीट्रिक्स को हासिल करना चाहता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और अपने इंटेलिजेंसी का यूज करके एजमत को पीछे छोड़ना चाहता था। लेकिन एल्बिडो कभी भी इस चीज में कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि वो एक ह्यूमन फॉर्म में फंस चुका था, जिसके बाद वो अपनी इंटेलिजेंसी का फुली यूज नहीं कर पाता था। अब इसके बाद एजमत ने एक और गलती कर दी कि उसने कभी भी एल्बिडो की मदद नहीं की, और बेंटन के यूनिवर्स में एल्बिडो हमें एक विलन के तौर पे देखने को मिला। और उसके बाद एजमत ने एक और काफी बड़ी मिस्टेक की थी अल्टीमेट्रिक्स को बनाने की। अब ये बात हम सब लोग जानते हैं कि एल्बिडो ने जब अल्टीमेट्रिक्स को चुराया था उससे पहले एजमत उस पर काम कर रहा था, और एजमत जो है अल्टीमेट्रिक्स को अपनी सबसे बड़ी खोज मानता था। लेकिन बाद में जब एल्बिडो ने अल्टीमेट्रिक्स को चुरा लिया था और अल्टीमेट्रिक्स को कम्प्लीट तैयार किया तो उसमें काफी सारे फॉल्ट्स थे, जिसके बाद एजमत ये चीज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था कि वो अल्टीमेट्रिक्स पे कभी काम करता था। उसने डायरेक्टली ये बात बोल दी थी कि एल्बिडो ने ही अल्टीमेट्रिक्स का क्रिएशन किया है और एल्बिडो की ही गलती थी कि उसने अल्टीमेट्रिक्स को बनाया था, जबकि ये बात हम सब लोग जानते हैं कि पहले अल्टीमेट्रिक्स पे एजमत ही काम कर रहा था।
था। बात यहीं पे खत्म नहीं होती क्योंकि बेंटन ओमनीवर्स में हमें देखने को मिला कि अजमत ने अपनी इंटेलिजेंसी लेवल टेस्ट करने के लिए गलती से मेलवेयर को भी बना दिया था। और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि मेलवेयर बेंटन यूनिवर्स का कितना पावरफुल विलन था। उसने अपने एक हैंड का यूज करके फीडबैक को इजिली जान से मार दिया था। अब इतनी ज्यादा गलती करने के बाद भी अजमत अपने आप को 5 गैलेक्सी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। अब अजमत ने बेंटन यूनिवर्स में इतनी सारी गलतियां की है कि उनको काउंट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।